नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है BHU MSc एनवायरमेंटल साइंस ईयर 2015 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस। क्वेश्चन वन, नेचुरल रिसोर्सेज आर। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हम लोग को एनवायरमेंट से मिलती हैं, तो ये रिन्यूएबल भी हो सकती हैं, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकती हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जो रिन्यू होती रहती हैं, जैसे आपकी विंड एनर्जी हुई, सोलर एनर्जी हुई। नॉन रिन्यूएबल वो होती हैं जो अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर वापस नहीं मिलती, जैसे फॉसिल फ्यूल्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री बोथ। टू, बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेंड फ्रॉम। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं और ये हमें बायोस्फीयर से प्राप्त होती हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, बायोस्फीयर। क्वेश्चन थ्री, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्लेस्ड इन द इकोसिस्टम इन। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को नॉर्मली हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों की क्लासिफिकेशन में रखा जाता है। तो सिंस ये इंसेक्टिवोरस हैं, यानी कि इंसेक्ट ईटिंग हैं, तो इनको हम लोग कार्निवोरस मानेंगे। तो इस हिसाब से ये ट्रॉफिक लेवल थ्री में पाए जाएंगे। ट्रॉफिक लेवल थ्री में आपके कार्निवोर आते हैं। ट्रॉफिक वन में आपका आता है ऑटोट्रॉफ्स, ट्रॉपिक लेवल टू में हर्बीवोर और थ्री में कार्निवोर। क्वेश्चन फोर, इन अ डेंस फॉरेस्ट कॉम्पटिशन डेवलप्स बिटवीन। यानी कि अगर कोई घना जंगल है तो उसमें कॉम्पटिशन किस में होगा, तो वो हर्ब और हर्ब के बीच में होगा, श्रब और श्रब के बीच में होगा और ट्री के बीच में होगा। ये जो कॉम्पटिशन होगा वो फूड के लिए होगा और स्पेस के लिए होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीस। क्वेश्चन फाइव, रिलेशनशिप ऑफ एन इपीफाइट विद इट्स सपोर्ट रिप्रेजेंट्स। यानी कि इपीफाइट या ऑर्किड और उसका जो होस्ट है उसके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, तो वो है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक जो पार्टनर है वो बेनिफिटेड होता है और दूसरे पार्टनर को न तो कोई फ़ायदा होता है न तो कोई नुकसान होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। क्वेश्चन सिक्स, बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन इज ड्यू टू। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी में डिग्रेडेशन हो रहा है उसका कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पॉपुलेशन प्रेशर और ओवर यूज। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्लांट्स इंटरैक्ट ओनली विद प्लांट्स, ये गलत है क्योंकि वो एनिमल से भी करेंगे, माइक्रोब से भी करेंगे और एबायोटिक फैक्टर से भी करेंगे। एनिमल इंटरैक्ट ओनली विद एनिमल, ये भी गलत है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट ओनली विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी गलत है। प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, ये आपका पॉइंट सही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर। एट, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मीन्स। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम में आपके बायोटिक फैक्टर्स आएंगे, एबायोटिक फैक्टर्स आएंगे, इन सब की जो डाइवर्सिटी होगी किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में उसको कहा जाएगा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो न तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी में आता है, न कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी में आता है और न तो ये लैंडस्केप डाइवर्सिटी में आता है। लैंडस्केप डाइवर्सिटी का मतलब किसी एक लैंडस्केप, यानी कि चाहे तो वो कोई पॉन्ड हो, चाहे कोई गार्डन हो, वहाँ की डाइवर्सिटी लैंडस्केप डाइवर्सिटी होती है, तो वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में नहीं आती। तो करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। नाइन, बिश्नोई कम्युनिटी एम्फसाइजेस। बिश्नोई कम्युनिटी का मेन जो रूल है वो है नॉन वायलेंस फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। टेन, एपिको मूवमेंट इज फॉर। जैसे चिपको मूवमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए है, उसी तरह एपिको मूवमेंट साउथ में शुरू हुआ और ये भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। इलेवन, चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन। चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1972-73 के बीच में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। ट्वेल्व, एन डब्ल्यू डी बी स्टैंड्स फॉर। एन डब्ल्यू डी बी का फुल फॉर्म है नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, ऑप्शन वन। थर्टीन, अ वाटर शेड स्टैंड्स फॉर। अ वाटर शेड इज एन एरिया बाउंडेड बाय द डिवाइड लाइन ऑफ वाटर फ्लो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। 14, सोशल फॉरेस्ट्री इज कंसर्न टू। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि आप फॉरेस्ट की कैसे रक्षा कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ावा दे सकते हैं, तो वो आएगा सोशल फॉरेस्ट्री में।
15 टोंगिया सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, टोंगिया सिस्टम में ट्री और क्रॉप की प्लांटिंग एक साथ की जाती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन ट्री क्रॉप। 16 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज कमेंस्ड इन द ईयर, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का कमेंसमेंट हुआ था 1952 में, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। 17 द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज गिवन बाय, बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था विल्सन ने, ऑप्शन फोर। 18 बायोडाइवर्सिटी रिच इन, जो वेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं इनमें बायोडाइवर्सिटी रिच होती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री। 19 इकोलॉजी डील्स विद, इकोलॉजी जो है ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों से डील करती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री बोथ। 20 इन सिटू कंजर्वेशन मीन्स, इन सिटू का मतलब होता है इन सिचुएशन, यानी कि जहाँ पर जो चीज़ नेचुरली पाई जाती है वहीं पे उसका कंजर्वेशन हो, तो करेक्ट आंसर होता है विद इन नेचुरल सिस्टम। 21 एक्स सिटू कंजर्वेशन मीन्स, एक्स सिटू का मतलब होता है उस नेचुरल जगह से कहीं बाहर, तो करेक्ट आंसर होगा आउटसाइड द नेचुरल सिस्टम, ऑप्शन वन। 22 कीस्टोन स्पीशीज आर, कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनके विलुप्त होने से या ख़त्म होने से कोई इकोसिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, या इसीलिए उनको हाई इम्पैक्ट स्पीशीज भी कहा जाता है। 23 अम्ब्रेला स्पीशीज, अम्ब्रेला स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उनका कंजर्वेशन करें तो उनको कंजर्व करने से आप और एनिमल को भी कंजर्व कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर है कंजर्वेशन फोकस स्पीशीज। 24 बायोस्फीयर हैज़, बायोस्फीयर में एक कोर एरिया होता है, बफर एरिया होता है और ट्रांजिशन या नॉन कोर एरिया होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑल। 25 FAO stands for, FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 26 रामसार कन्वेंशन इज फॉर, रामसार कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए किया गया था, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन वेटलैंड। 27 होम्योस्टेसिस इन इकोसिस्टम इज मेंटेन्ड बाय, होम्योस्टेसिस या जो बैलेंस है इकोसिस्टम में वो चेक और बैलेंस के थ्रू होता है, प्रे प्रेडेटर इंटरेक्शन के कारण होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी के कारण होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द फॉलोइंग। 28 इकोसिस्टम प्लांट पैरासाइट्स आर क्लासिफाइड एज, किसी इकोसिस्टम में अगर प्लांट पैरासाइट्स हैं यानी कि वो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के ऊपर रहते हैं उनको हर्बीवोर कहा जाता है। 29 कमेंसलिज्म इज, कमेंसलिज्म जो है ये नॉन ऑब्लिगेटरी है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। 30 मिनिमम डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड इन, मिनिमम डाइवर्सिटी जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में दिखाई देती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। थैंक यू।